नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अधिक धन देने वाली रेखा कौन सा है या अधिक धन देने वाला चिन्ह कौन सा है। सबको चाहत होती है अपनी इस लाइफ में कि मुझे अधिक धन मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए अपनी हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के स्तर के बारे में बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हमारा मन कितना गहराइयों में सोचता है उसके बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये हमारी हृदय रेखा, जिसको हम दिल की रेखा बोलते हैं, दिल की गहराइयों के बारे में बताती है। सबसे पहले आज हम देखते हैं अधिक धन देने वाली रेखा क्या है, वो लक्षण। सबसे पहले देखते हैं हमारी ये गुरु की फिंगर है। गुरु की फिंगर सीधी हो और गुरु का पर्वत उठा हो, विकसित हो, जिसको पावर की स्ट्रेंथ मिलती है और यहां पर बना हो एक त्रिकोण का साइन। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में राजनैतिक लाभ मिलता है, सरकारी लाभ मिलता है और सरकारी क्षेत्र में है तो उच्च पद प्राप्त अवश्य करते हैं। और ऐसे लोग मार्गदर्शन का काम करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है इनके अंदर, किसी भी क्षेत्र में मैनेजिंग का काम करते हैं, प्रबंधक का काम करते हैं। और ऐसे लोग धार्मिक नेचर के भी होते हैं और इनके बच्चे भी धार्मिक नेचर के साथ ही जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से यहीं पर एक शुभ साइन और देखते हैं। जैसे कि इस गुरु के पर्वत के ऊपर ये एक ऊर्ध्वमुखी रेखा, ऊर्ध्वमुखी रेखा यहां पर एक स्थिरता को रोक के रखती है आपकी, जिसको हम की प्रोग्रेस रेखा बोलते हैं। सरकारी क्षेत्र है तो उसमें अवश्य सफलता दिलाती है, अगर व्यवसाय के क्षेत्र में है तो उसमें अवश्य सफलता दिलाती है। और इसी के साथ अगर एक जीवन रेखा से चलकर एक ऊर्ध्वमुखी रेखा और चल पड़े, एक के साथ एक सफलता की सूचक मानी जाती है। और यहां पर अगर इसी गुरु के पर्वत के ऊपर इसी ऊर्ध्वमुखी रेखा के साथ एक फ्लैग का चिन्ह बन जाए, आपके हर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती है। ऐसे लोग धार्मिक नेचर के होते हैं, लोगों का धर्म कर्म के प्रति प्रभाव करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं और इससे लोग अपने जीवन काल में उच्च पद प्राप्त करते हैं और एक बहुत बड़ा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हमारी भाग रेखा मणिबंध से चलकर ये शनि का पहला पोर, शनि का दूसरा पोर, अगर यहां पर भाग रेखा प्रबल होके पहुंच रही है मणिबंध से लेके और इसमें किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं है, ऐसे लोगों का जो जीवन होता है ना उच्च घरानों के साथ होता है और इनको जीवन में कभी पैसे का अभाव नहीं होता है, जिसको कि कहते हैं काफी तकदीर वाले हैं, काफी किस्मत वाले हैं, काफी अच्छा भाग लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन यही रेखा अगर इस हमारे तीसरे पोर्ट पर पहुंच जाए, आज कितनी भी स्थिति हमारी बेहतर है,
अगर ये पहले पोर पर पहुंच जाती है, जिसको हम पहले पोर पे बोलते हैं, यहां पर पहुंच जाती है, आज स्थिति कितनी भी मजबूत होती है, लेकिन आने वाला समय एक समय ऐसा होगा कि आपके पास जो कुछ भी आपने बनाया था या जो कुछ आपके प्रॉपर्टी थी आपके पेरेंट्स की, वो सब कुछ गंवा देंगे। लेकिन अगर यही भाग रेखा सेकंड पोर पर पहुंचती है तो ऐसे लोग काफी धनवान होते हैं, काफी अमीर होते हैं। इसी प्रकार से ये शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र का पर्वत है, इसको हम शुक्र का पर्वत बोलते हैं। शुक्र का पर्वत, जैसे कि लड़कों की शादी के लिए हम शुक्र के ही पर्वत को देखते हैं। शुक्र जो होता है विलासिता का कारण होता है, और शुक्र हमें जीवन में सारी लग्जरियस लाइफ देता है। और यहां पर बने एक शुभ चिन्ह जिसको कि वर्गाकार, ऐसे लोगों का जो विवाह होता है बड़े घर में होता है, और ऐसे लोगों को बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं और अपने जीवन काल में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। और यहां पर एक स्टार ऐसे लोगों को शुक्र की क्वालिटी को बढ़ाता है, और अपने जीवन काल में ऐसे सारी भौतिक सुख तो प्राप्त करते ही करते हैं। यहां पर कई बार देखा गया है कि वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, जिसको कि हम लव मैरिज कहते हैं। इसी प्रकार से हम ये राहु का क्षेत्र देखते हैं। ये राहु का क्षेत्र है, राहु जी, राहु को जैसे हम मानते हैं विदेश का, ऐसे लोगों को अगर यहां पे राहु के क्षेत्र पे एक त्रिकोण बन जाए, त्रिकोण बना हो और इसके ऊपर कोई बुरा चिन्ह ना हो, ये काफी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे लोगों को विदेश यात्रा अवश्य करवाता है राहु, और ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है, पॉलिटिकल के क्षेत्र में भी जाते हैं। और इसी प्रकार से ऐसे लोगों को अचानक से धन प्राप्त होता है, जैसे कि लॉटरी से, सट्टे से, या किसी के वसीयत से इनको अवश्य लाभ दिलाता है राहु, और इस पे कोई बुरे चिन्ह ना हो। तो कहते हैं ना, थोड़े से समय में ज्यादा चीजें दे देने की पावर रखता है तो राहु है। राहु के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि इनके अंदर एक इमोशनल होती है, किसी भी ग्रह के साथ ही अटैचमेंट होते हैं या किसी के साथ होते हैं तो उनका वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही फल देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से सन की फिंगर है, सन की फिंगर सीधी हो, और यहां पर बना हुआ स्टार, स्टार कहीं भी होता है उसके गुणों को बढ़ाने का काम करता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है। अधिक धन लोग कमाते हैं ऐसे, अपने जीवन काल में सरकार के क्षेत्र से जुड़े होंगे तो वहां से अधिक उच्च पद दिलाता है, और अधिक पैसे भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में कमाते हैं। और यहां पर एक शुभ साइन और है, जैसे कि यहां पर एक त्रिशूल है, त्रिशूल यहां पे काफी शुभ फल प्रदान करता है। ये त्रिशूल ऐसे लोगों को सरकार की सेवा में अवश्य फायदा मिलता है, सरकारी सेवा में अवश्य जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में सारी सुख प्राप्त होते हैं, जैसे कि मकान का सुख, गाड़ी का सुख, सरकार की क्षेत्र में होते हैं तो वहां पे उन्नत भी करते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं ऐसे लोग, अपने जीवन काल में
उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, इनको पर विशेष कृपा होती है, क्योंकि ऐसे लोग काफी भगवान शिव के इनके ऊपर अपार कृपा होती है। अगर ये पूजा पाठ उनके करते हैं तो अतिरिक्त फल भी मिलता है। धार्मिक नेचर को दर्शाता है यहाँ पे, हर इच्छाओं की पूर्ति करता है त्रिशूल। कभी आपको पैसों के लिए आपका हाथ तंग नहीं होगा, उच्च पदवी दिलाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।